कांग्रेस जीत होने वाले है, सो लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाले है. तो सेम थिंग रिफ्लेक्टेड इन एग्जिट पोल्स. सो फॉर अस इट इज नॉट एनी सरप्राइज. इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस बीआरएस नहीं हुई. केसीआर परिवार के खिलाफ 4 करोड़ जनता के बीच में चुनाव हुई. हमेशा आपको पता है चुनाव में जनता जीतते है. इस बार जनता जीत लिए तेलंगाना में, उनके परिवार को हरा दिए. इस बार कांग्रेस जीत होने वाले है, सो लैंडस्लाइड विक्ट्री होने वाले. तो सेम थिंग रिफ्लेक्टेड इन एग्जिट पोल्स. सो फॉर अस इट इज नॉट एनी सरप्राइज. आपको लगता है एग्जिट पोल जो है वही एग्जैक्ट पोल भी होने वाला है? उससे भी बेटर रिजल्ट रहेगा. आई हैव सम ग्रीवेंसेस अगेंस्ट दिस एग्जिट पोल्स. वे आर गोइंग टू गेट 80+, दे आर गिविंग अराउंड 70. सो 10 more seats आर गोइंग टू इंक्रीज आफ्टर रिजल्ट. दूसरा जो बड़ा सवाल निकल जाता है कि जैसे आपने मोर्चा संभाला हुआ था, अध्यक्ष रहे, आपके नेतृत्व में पूरा चुनाव हुआ, वेव देखने को मिली, अगर नतीजे आपके फेवर में आते हैं तो सीएम कैप्टन आप ही बनेंगे? नहीं, आपको तो सिलेक्शन कमेटी प्रोसेस को आपको तो पता है. क्रिकेट में सब खिलाड़ियां प्रैक्टिस, नेट प्रैक्टिस सब कुछ होने के बाद पहले टीम को चुनाव करते, टीम होने के बाद टीम से फिर कैप्टन को चुनते, ये पूरा होने के बाद बीसीसीआई मैच लगवा देते. तो इट इज वेरी सिमिलर कांग्रेस पार्टी. सिलेक्शन स्क्रीनिंग कमिटी इज देयर, सिलेक्शन कमिटी इज देयर, आफ्टर दैट सीडब्ल्यूसी हैज टू टेक ए कॉल. इन कांग्रेस देयर इज एन प्रोसेस फॉर एवरीथिंग. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मोर देन प्रोसेस और अदरवाइज अदर देन प्रोसेस. सबसे मजबूत खिलाड़ी को तो चुना जाता है. सो अभी पार्टी जोताई करेगा वो तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बींग एन पीसीसी प्रेसिडेंट आई हैव टू ओबे एवरी ऑर्डर फ्रॉम हाईकमांड. सो आई हैव टू फॉलो पार्टी डायरेक्शन. काफी सवाल है सर, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उसमें टीआरएस को, बीआरएस जो है उनको लेकर है कि आंकड़े उनके काफी कम. आपको क्या लगता है क्या वजह रही कि बीआरएस कितना खराब परफॉर्मेंस यहाँ पे होगा? बस ये इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस बीआरएस नहीं हुई. 4 केसीआर परिवार के खिलाफ 4 करोड़ जनता के बीच में चुनाव हुई. हमेशा आपको पता है चुनाव में जनता जीतते है. इस बार जनता जीत लिए तेलंगाना में, उनके परिवार को हरा दिए. सर, सरकार बनने के बाद पहला आप लोगों की प्रायोरिटी क्या होगी? 6 गारंटीज का फर्स्ट, पहला कैबिनेट में 6 गारंटीज का अप्रूवल ले लेंगे, एक्ट बना देंगे. वो उसके बाद ही जो भी चर्चा करना है उसके बाद में ही चर्चा होने वाले. अंतिम सवाल, जो आप लोग करप्शन के जो इश्यूज उठाए और आपका खासतौर से जो टारगेट रहा, केसीआर फैमिली आपकी टारगेट रही, जिन करप्शन के मामलों को आपने उठाया उसको जांच के तौर पे, जैसे आप लोग कई बार बोले भी हैं कि हम जांच कराएंगे, पहला आप किस मसले को, करप्शन के किस मसले को सबसे तो इसमें साफ है, हमारे इलेक्शन मैनिफेस्टो में हम लोग डिक्लेयर कर दिए कि सिटिंग जेट से इरिगेशन प्रोजेक्ट जो कलेश्वरम मेडीगड्डा एंड अन्नारम बैरेज डैमेज हुआ था उसके बारे में हम पहले, क्योंकि राहुल जी एंड मुझे वहां पर जाकर देख कर आए, तो उसके बारे में जांच करने वाले है. उसके अलावा भी और कुछ सेक्रेटेरिएट, अंबेडकर स्टैचू कंस्ट्रक्शन एंड मार्टेस स्टैचू कंस्ट्रक्शन, इसमें बहुत सारे सेंटिमेंटल वैल्यू में भी ज्यादा से ज्यादा करप्शन है. तो इनको अभी कैबिनेट होने के बाद कैबिनेट में हम ये चर्चा करेंगे कि कौन सी मुद्दों पे हम जाना है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है, ये सब सारे कलेक्टिव डिस्कशन होने के बाद ही फाइनल होने वाला है. सब्सक्राइब टू मिड डे इंडिया. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.